इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब विधानसभा के इजलास के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानू दस दईए कि अज पंजाब विधानसभा के इजलास का दूजा दिन है तो अखीरला दिन है। दस दईए कि अज BSF के मुद्दे को लेकर शुरुआत के मता जो है वह पेश किया गया। डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने BSF का जो मता है वह पेश किया है। तो इस ही नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया के आमो सामने होने दिया सूत्रों के हवाले तो खबर जो ने वो निकल के सामने आ रही ने। दस दईए कि विधानसभा के एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया आमो सामने हुए ने। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लेके बिक्रम मजीठिया घेरिया। उन्होंने कहा कि जदों आल पार्टी मीटिंग जो है BSF के मुद्दे को लेके सदी गई सी तां उस समय सुखबीर बादल कित्थे सन। आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिता। दस दईए कि उन्होंने कहना है कि ना तो जीरो होवर रखा गया है तो ना ही ध्यान दवाऊ मते दे वल कोई ध्यान जो है दिता गया तो उसनों लैके आम आदमी पार्टी के वलों वॉकआउट करते हुए विधानसभा के बाहर आ चुके ने। तो दस दिए कि विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि पंजाब के लोगों दिया जो मुसीबत ने उसनों उसके नाल सरकार नू जाणू करवाना सी, जिसके लिए उन्होंने वालों मंग की गई सी कि जीरो हावर अते ध्यान दवाऊ मता जो है वो दिता गया, परंतु उसके वाल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया, जिस कारण उन्होंने वालों सदन चो वॉकआउट किया गया। तो वड्डी खबर जो है तुहानू दस रहे हैं पंजाब विधानसभा की कार्रवाई के नाल संबंधी। तुहानू दस दईए कि सवेरे 11 बजे के करीब एक कार्रवाई शुरू हुई है तो BSF के मुद्दे को लेकर इस डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मता पेश किया। तो नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया दोहे आमो सामने हुए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लेकर बिक्रम सिंह मजीठिया घेरिया। तो उन्होंने कहा कि जदों BSF के मुद्दे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई सी तो सुखबीर बादल कित्थे सन। इस तुहानू होर दस दईए कि सूत्रों के हवाले तो जो जानकारी निकल के सामने आई है कई तिखे तंज जो ने और पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वालों भी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया के उत्ते कसे गए हैं। तो इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कैड़े हाथी जो है बिक्रम सिंह मजीठिया लिया है। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहा है पंजाब विधानसभा के इजलास के नाल संबंधी कार्रवाई जो है वह शुरू हो गई है। तो शुरुआत के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने BSF के मुद्दे लैके मता पेश किया। तो नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया के विचकार एक बार फिर तो दब के बहस हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लैके बिक्रम मजीठिया घेरिया। उन्होंने कहना है कि जदों BSF के मुद्दे को लैके ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई थी तो उस समय सुखबीर सिंह बादल कित्थे सन। दस दईए कि विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा तो आम आदमी पार्टी ने सदन के विचों वॉकआउट कर दिता। उन्होंने कहना है कि पंजाब दियां लोकां दी जो आवाज़ सी उसनों बुलंद करन दे लई वो पहुँचे सन विधानसभा दे विच तां जो सरकार नूं उन्हां दियां मुश्किलां दे नाल जाणू करवाया जाए। इस दे लई जीरो हावर की मंग अते ध्यान दवाऊ मता जो है वह पेश किया गया सी, परंतु उन्होंने कहना कि इस वल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया, जिस कारण आम आदमी पार्टी के वलों वॉकआउट कर दिता गया। दस दईए किते ना किते अज विरोधी धिरां वलों जिवें कि कहा जा रहा सीगा कि लगातार हंगामे दियां जो ने वह तस्वीरां सामने आ सकदियां ने। तो तुहानू दस दईए कि पूरा हंगामी सैशन जो अज दा रहण वाला है, कई होर बिल भी जो ने सरकार दे वलों पेश किते जाणगे ते इस दे उपर विरोधी धिरां दे वलों जो सवाल जवाब ने वह सरकार नूं किते जा सकते ने। इस वक्त की वड्डी खबर पंजाब विधानसभा के इजलास के नाल संबंधित सामने आ रही है। तुहानू दस दईए कि अज पंजाब विधानसभा के इजलास का दूजा दिन है तो अखीरला दिन है। दस दईए कि अज BSF के मुद्दे को लेकर शुरुआत के मता जो है वह पेश किया गया। डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने BSF का जो मता है वह पेश किया। तो इस ही नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया के आमो सामने होने दिया सूत्रों के हवाले तो खबर जो ने वो निकल के सामने आ रही ने। दस दईए कि विधानसभा के एक बार फिर तो नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया आमो सामने हुए ने। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लेकर बिक्रम मजीठिया घेरिया। उन्होंने कहा कि जदों आल पार्टी मीटिंग जो है BSF के मुद्दे को लेकर सदी गई सी तो उस समय सुखबीर बादल कित्थे सन। आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिता। दस दईए कि उन्होंने कहना कि ना तो जीरो होवर रखा गया है तो ना ही ध्यान दवाऊ मते दे वल कोई
ध्यान जो है दिता गया था उसनू लेके आम आदमी पार्टी के वालों वॉकआउट करते हुए विधानसभा के बाहर आ चुके ने। तुम दस दिए कि विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि पंजाब के लोगों दिया जो मुसीबत ने उसनू उस सरकार जाणू करवाना सी, जिसके लिए उन्होंने वालों मंग की गई सी कि जीरो हावर ध्यान दवाऊ मता जो है वह दिता गया, परंतु उसके वाल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया, जिस कारण उन्होंने वालों सदन चो वॉकआउट किया गया। तो वड्डी खबर जो है तुहानू दस रहे हैं पंजाब विधानसभा की कार्रवाई के नाल संबंधी। तुहानू दस दिए कि सवेरे 11 बजे के करीब एक कार्रवाई शुरू हुई है, तो BSF के मुद्दे को लेकर इस डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मता पेश किया। नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम मजीठिया दोहे आमो सामने हुए ने। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लेकर बिक्रम सिंह मजीठिया घेरिया, तो उन्होंने कहा कि जदों BSF के मुद्दे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई सी तो सुखबीर बादल कितने सन। इस तुम्हें होर दस दईए कि सूत्रों के हवाले तो जो जानकारी निकल के सामने आई है, कई तिखे तंज जो ने वो पंजाब के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वालों भी श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया के उत्ते कसे गए ने। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए कि डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कैड़े हाथी जो है बिक्रम सिंह मजीठिया नू लिया। तो वड्डी खबर तुहानू दस रहा है पंजाब विधानसभा के इजलास के नाल संबंधी कार्रवाई जो है वह शुरू हो गई है। तो शुरुआत के डिप्टी CM सुखजिंदर सिंह रंधावा ने BSF के मुद्दे लेके मता पेश किया, तो नवजोत सिंह सिद्धू और बिक्रम सिंह मजीठिया के विचकार एक बार फिर तो दब के बहस हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल को लेकर बिक्रम मजीठिया को घेरिया, उन्होंने कहना है कि जो BSF के मुद्दे को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग सदी गई थी तो उस समय सुखबीर सिंह बादल कितने सन। दस दईए कि विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा तो आम आदमी पार्टी ने सदन के विचों वॉकआउट कर दिता। उन्होंने कहना है कि पंजाब दिया लोगों की जो आवाज़ सी उस बुलंद करन दे लई वह पहुँचे सन विधानसभा दे विच, ता जो सरकार नू उन्हां दियां मुश्किलां दे नाल जाणू करवाया जाए। इस दे लई जीरो हावर की मंग अते ध्यान दवाऊ मता जो है वह पेश किया गया सी, परंतु उन्होंने कहना है कि इस वल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया, जिस कारण आम आदमी पार्टी दे वल्लों वॉकआउट कर दिता गया। दस दईए कि किते ना किते अज विरोधी धिरां वल्लों जिवें कि कहा जा रहा सीगा कि लगातार हंगामे दियां जो ने वो तस्वीरां सामने आ सकदियां ने। तो तुहानू दस दईए कि पूरा हंगामी सैशन जो अज दा रहण वाला है, कई होर बिल भी जो ने सरकार दे वल्लों पेश किते जाणगे, तो इस दे उपर विरोधी धिरां दे वल्लों जो सवाल जवाब ने वो सरकार नू किते जा सकते ने। पंजाब अते पंजाबीयत नाल जुड़िया हर मुद्दा हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसी वी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट खबर दी निरपक्ष आवाज़। विजिट करो www.nirpakhpost.com।